Hello and welcome to the online classes of Kids Heaven Public School. This is for grade 10. Today we will discuss the exercise parts of it. Now, from our book of Footprints Without Feet and chapter number 6 with the title The Making of a Scientist, the read about it, think about it, question and answers is what we are going to discuss. Dear students, I have an advice for you first. Now, you see, when you are answering questions, understand the question first and then look at the answer. If you will only begin writing down the question and answers, you would not understand anything. See, मेरा मतलब ये है, जब भी आप question answers लिखते हो अपनी notebook में, आप पहले question को पढ़ो, उसे समझो कि उस question में point क्या है, क्या पूछा जा रहा है, क्या उसका answer होना चाहिए, शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा, ठीक है? पहले उसे समझो, उसके बाद उसके आंसर्स को देखो, समझो एंड देन नोट डाउन करो। अगर आप सिर्फ लिखते रहोगे, तो ऑब्वियसली आपको वो ओवरलोड ही लगेगा, एक बर्डन ही लगेगा। अनदर थिंग आई विश टू टेल यू, आप सभी के पास बुक्स हैं, सो अगर आप क्वेश्चंस ना उतारो, तो कोई खास प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप आंसर्स समझो एंड आंसर्स नोट डाउन करो, ठीक है? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। You can just write the question number and then put in the answer. जो लंबे questions होते हैं, जिनमें दो तीन questions joint होते हैं, वो लगभग चार पांच line के होते हैं and वो काफी सारे होते हैं। अब आप उन्हें note down करने में इतना time लगाओगे, फिर आधे page उनके answers note down करोगे, time भी waste होता है and you are putting in excess labor. So my advice is, dear students, understand the question first, note the question. Only if it is a very short question, जैसे एक लाइन का क्वेश्चन है तो आप उसे लिख लो। जो लंबे क्वेश्चन हैं, उनके सिर्फ आंसर्स नोट डाउन करें, क्योंकि आपके पास बुक्स हैं एंड बुक्स में सभी क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड विद दैट लेट अस बिगिन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज विच इज रीड एंड फाइंड आउट। रीड एंड फाइंड आउट आपकी स्टोरी से पहले है, यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ई ब्राइट्स लाइफ। अब हमने पढ़ा है स्टोरी में कि रिचर्ड ई ब्राइट, जो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट बने हैं, उनकी लाइफ में एक बुक थी जिसका बहुत खास स्टेटस था। अब वो कैसे हुआ ये हम जानते हैं। रिचर्ड ई ब्राइट वॉज इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एंड हैड कलेक्टेड ऑल द 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। दिस वुड हैव बीन द एंड ऑफ हिज बटरफ्लाई कलेक्टिंग, बट एट दिस पॉइंट हिज मदर गॉट हिम अ बुक कॉल्ड द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। And this book aroused his interest in monarch butterflies and opened the world of science to him. So, देखिए, जब से छोटे थे ये butterflies collect करते थे and लगभग 25 species butterfly की ये collect कर चुके थे अपने hometown के आसपास। अब जब इन्होंने collect कर ली, hatch किया, life cycle देख ली, tag कर ली, ये bore होने लगे थे, इनका interest खत्म होने लगा था, तो इनकी मदर क्या करती है, इनको एक बुक दिलाती है जिसका नाम है द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। उस बुक में ये डिस्क्राइब किया था कि जो स्पीशी है मोनार्क बटरफ्लाई की, वो कैसे, मतलब उसका जो माइग्रेशन की स्टोरी होती है, माइग्रेशन जर्नी होती है उसकी नॉर्थ अमेरिका से ड्यूरिंग द विंटर्स। उसमें इतना इंटरेस्ट आया रिचर्ड को कि उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनको एक और ही अलग दुनिया मिल गई जिसमें साइंस ही साइंस के एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्योरीज भरी पड़ी हैं, और एक नया इंटरेस्ट जाग गया उनके अंदर ये जानने के लिए कि कैसे पॉसिबल है। मोनार्क बटरफ्लाईज के बारे में और रिसर्चेस करने लगे, उनकी पूरी लाइफ साइकिल को स्टडी किया, ठीक है? सो इस तरह से ये जो बुक थी, ये रिचर्ड ई ब्राइट की लाइफ में एक नया पॉइंट लाती है, एक नया टर्निंग पॉइंट लाती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। अब उनकी जो मदर थी उनकी क्या रोल था। ओके, His mother helped him by encouraging his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments, and helped him in many other ways. She even gave him the special book of monarch butterflies, so she helped him a lot. इनका एक बहुत important role था इनकी mother का, क्योंकि ये continuously जो है इन्हें encourage करती रहती थी नई चीजें सीखने में। ओके, इन्हें ट्रिप्स पे ले जाती थी, इनके लिए टेलीस्कोप्स खरीदती थी क्योंकि कभी कभी रात में इन्हें स्टार गेजिंग पसंद होता था, माइक्रोस्कोप, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल्स और काफी और इक्विपमेंट्स, ठीक है?
एंड अदर तरीके से भी हेल्प करती थी, जैसे कि अगर ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ नया इंटरेस्ट जगाएंगी, कुछ प्रैक्टिकल वर्क, यहाँ तक कि बहुत इंटरेस्टिंग बुक भी दी थी मोनैक बटरफ्लाइज की. सो शी हेल्प हिम अलॉट. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द रीड एंड फाइंड आउट में हमारा क्वेश्चन है, वॉट लेसन डज ई ब्राइट लर्न वेन ही डज नॉट विन एट अ साइंस फेयर. अब स्टूडेंट्स याद करो, स्कूल के टाइम में जो एक साइंस फेयर होता है जिसमें हिस्सा लेते हैं, ई ब्राइट जो है वो सिर्फ एक फ्रॉग के टिश्यू का एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं स्लाइड पे, और जो बाकी लोग होते हैं वो रियल टाइम एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं. सो सभी कुछ ना कुछ जीतते हैं लेकिन ये हार जाते हैं, इसलिए इन्हें बहुत बुरा फील हुआ था. तो इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के बाद, उस साइंस फेयर के बाद क्या सीखा? E. Bright realizes that mere display of something does not mean science. To win at a science fair, he will have to do real experiments. E. Bright को तब एहसास होता है कि खाली बस एक display, मतलब सिर्फ दिखाने से कुछ नहीं होता, तब नहीं जीत सकते. जीतने के लिए उन्हें असल में experiments करने जरूरी हैं. Okay? Next question: What experiments and projects does he then undertake? सो नेक्स्ट फेयर से पहले वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स की तैयारी करते हैं? He makes experiments to find out what causes the viral disease that kills nearly all monarch caterpillars. He undertakes a project to test the theory that viscerae butterflies copy monarchs to survive. अब इनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था, जो एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं साइंस फेयर में, वो ये था कि जो मोनैक कैटरपिलर्स होते हैं वो इतनी जल्दी कैसे मर जाते हैं. ठीक है, हर साल बहुत सारे मरते हैं, तो वो कौन सी वायरल डिजीज है या कौन से इंसेक्ट से फैलती है, कैसे मरते हैं वो. ठीक है, एंड उसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था जिसपे उन्हें प्राइज भी मिले थे, वो ये था कि जो विस्रॉय बटरफ्लाई की स्पीशी होती है वो मोनैक बटरफ्लाई को कॉपी करती है. करती है तो क्यों करती है? ओके, इसका रीजन मैंने आपको स्टोरी में अच्छे से समझाया था. लेट मी टेल यू वंस अगेन, जो विस्रॉय बटरफ्लाई होती है उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए चिड़िया उसे खाती हैं. लेकिन जो मोनैक बटरफ्लाई है उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, चिड़िया उसे नहीं खाती. इसीलिए जो विस्रॉय बटरफ्लाई है वो मोनैक को कॉपी करती है ताकि वो किसी भी चिड़िया का खाना ना बने. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट बनने के लिए तीन मेन क्वालिटीज होती हैं, क्या है वो? आई हैव टोल्ड यू दिस आल्सो. फॉर दिस द ऑथर मेंशंस थ्री क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. द फर्स्ट इज ए फर्स्ट रेट माइंड, द क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस. ओके, सो सबसे वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट क्वालिटीज. जो सबसे पहली क्वालिटी होती है वो ये है कि जो हमारा माइंड है इट शुड बी एक्टिव. ओके, अ वेरी एक्टिव एंड फर्स्ट रेट माइंड. फिर एक क्यूरियोसिटी, जानने की, सब कुछ नया सीखने की, जानने की कि क्यों होता है, कैसे होता है. एंड जो तीसरी क्वालिटी है वो ये है कि हमें सही रीजन के लिए जीतना है, हमें सिर्फ प्राइजेस इकट्ठे करने के लिए, ट्रॉफीज या दिखावा करने के लिए नहीं जीतना होता है, हमें सही काम में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए जीतना होता है. सो दीज आर द थ्री मेन क्वालिटीज इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. Okay, now the second section of these exercises is think about it. In think about it, we have a first question. It is quite lengthy. It has three parts in it. How can one become a scientist, an economics or a historian? Does it simply involve reading many books on the subject? Does it involve observing, thinking and doing experiments? So, now tell me, what do you think? How can one become a scientist? इंसान जो होता है, हम एक साइंटिस्ट या इकोनॉमिस्ट या जो भी आप एक अपने लिए सेलेक्ट करते हो, आप कोई भी प्रोफेशन सेलेक्ट करते हो, तो आप कैसे बन सकते हैं? डज इट जस्ट मीन कि आप बुक्स पढ़ लो उस सब्जेक्ट पे एंड आप बन जाओगे, या आपको ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग या एक्सपेरिमेंट्स भी करने होते हैं? ओके, सो लेट्स सी. रीडिंग बुक्स इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग. It is how your brain processes the information that affects the degree of learning. So, अगर हम सिर्फ books पढ़ते हैं, ये सिर्फ one aspect है, सिर्फ एक branch है learning का. लेकिन किस तरह से ये information हम process करेंगे, ये दिखाता है कि हमारी learning की limit क्या है, हमें कितना समझ में आ सकता है, हम कितना सीख सकते हैं books से. Okay? But then, the first and the foremost criteria
To become a genius in one's chosen field is to have great curiosity and unending hunger to discover more. So, सबसे पहले जो important criteria है. Now, what is a criteria? A criteria is a type of selected option. कि हमें क्या करना है? अगर आपको एक genius बनना है अपनी field में, the first thing you should have is a great curiosity and unending hunger to discover more. I have been telling you the word curiosity, which means to learn and to know more and more. एक इच्छा जो होती है ज्यादा से ज्यादा जानने की, पूछने की, पढ़ने की, ठीक है? And एक ऐसी ख्वाहिश ज्यादा से ज्यादा discover करने की, ठीक है? The next criteria is a good sense of observation, which helps you to correlate your findings with what you see or experience in the real world. Now, observation. Without observation, you cannot learn anything new. Observation आपको बहुत अच्छे से करना होगा जब भी आप कोई research topic select करते हो. या अपनी किसी भी field में आपको अगर specialize करना है, be it you want to be an engineer, a doctor, a teacher, you have to observe everything around you. You have to observe and see the experiences of the real world. Finally, experiments are must to test your findings against possible variables and in real life situations. अब जो भी आप देखें सोचते हैं कि हाँ आपने एक प्लान बनाया है, उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हैं, जब तक आप उसे प्रैक्टिकली इफेक्ट में नहीं डालेंगे आपको ये नहीं पता होगा कि वो सही है या नहीं. सो एक्सपेरिमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं करने के लिए सब. Now and lastly, but not the least, is an urge to work really hard on your area of interest. जब आपने एक चीज सेलेक्ट कर ली है, अब आपको उसमें अपना फुल एफर्ट्स डालना होगा, एक सिंसियर एफर्ट, तभी यू कैन बिकम अ ट्रू एंड कंप्लीट जीनियस इन द फील्ड यू आर इंटरेस्टेड इन. ओके, सो दिस वाज थिंक अबाउट इट. योर आंसर्स कैन बी डिफरेंट. दिस इज व्हाट आई फील कैन बी द आंसर. नाउ look at this, it is a lengthy question, quite long. First understand the question very well. Look at it. You must have read about cells and DNA in your science books. Discuss Richard E. Bright's work in the light of what you have studied. If you get an opportunity to work like Richard E. Bright on projects and experiments, which field would you like to work on and why? अब देखिए, रिचर्ड ई ब्राइट की जो रिसर्च वर्क था, इट वॉज अबाउट द मोनैक बटरफ्लाई. ग्रेजुअली ही ट्राई टू फाइंड आउट दैट वाई आर देयर 12 गोल्डन स्पॉट्स ऑन द पुपा ऑफ अ मोनैक बटरफ्लाई. हमने देखा था कि रिचर्ड ई ब्राइट जो है वो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट बनता है, एंड उसका जो रिसर्च वर्क होता है वो ये है कि जो मोनैक बटरफ्लाई होती है उसका जो पुपा होता है उसकी बॉडी पे 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं. अब वो क्यों होते हैं? सभी ने ये कहा था कि वो सिर्फ डेकोरेटिव होते हैं, लेकिन रिचर्ड ई ब्राइट का ये मानना था कि ये डेकोरेटिव नहीं होंगे, एंड उस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे ये पता चला था कि वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, उसके बाद एक सेल प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड सेल्स के बारे में एक नई थ्योरी निकलती है, एंड रिचर्ड ई ब्राइट की रिसर्च के बाद ये पता चलता है कि डीएनए जो होते हैं, ठीक है, एंड सेल्स होते हैं, सो एक सेल डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे पढ़ लेता है. ठीक है, ये सब इनकी रिसर्च की थ्योरी में निकलता है. सो सेल्स एंड डीएनए के बारे में बुक्स में आपने पढ़ा होगा. रिचर्ड ई ब्राइट का जो वर्क था उससे आपको क्या समझ में आता है? अब देखते हैं. ई ब्राइट्स वर्क से डायरेक्टली रिलेटेड टू बायोलॉजी. Discovery of cell structure has helped scientific community to understand the way an organism functions and grows. ठीक है, so E-Bright के जो work है काफी हद तक biology से related है and zoology से भी. Zoology से क्योंकि it is about insects. Now, cell का जो structure था जो उन्होंने design किया था उससे scientific community को ये समझने का तरीका मिलता है कि जो organism है कैसे function करता है and कैसे grow करता है. आप जानते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आजकल पुलिस को भी बहुत हेल्प करती है रियल कल्प्रिट्स ढूंढने में. कल्प्रिट इज अ पर्सन हु हैज डन रॉन्ग. दिस वाज नॉट पॉसिबल अंटिल व्हेन डीएनए वाज डिस्कवर्ड. सो मोनैक बटरफ्लाईज प्रेजेंट एन अमेजिंग एग्जांपल ऑफ अ टाइनी क्रिएचर माइग्रेटिंग थाउजेंड्स ऑफ माइल्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू द रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन.
सो मोनार्क बटरफ्लाइज उनका मेन टॉपिक था रिसर्च का, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही कलेक्ट